हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी ये सीरीज़ है, ये हमारी फोर्थ वीडियो रहने वाली है। इसमें इससे पहले हम लोग कुछ 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला करके कुछ क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके, जो फैक्चुअल भी हैं, जो पैडागॉजिकल भी हैं, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें, वो कुछ क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने उठाए हैं यहाँ से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ऑल ओवर जो आपकी जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि पेडागॉजिकल क्वेश्चंस किस तरीके के रिपीट होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ताकि आपके टर्म्स क्लियर हो सकें और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ सके। तो सभी तरह की क्वेश्चंस को हम यहाँ पर जो है ठीक तरीके से इसमें इंक्लूड कर सकें, इसलिए ये क्वेश्चंस को अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में से उठाया गया है। इससे क्या होगा, जब आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें आपको समझ में आई है और कितनी नहीं आई हैं। अगर मैं आप लोगों को एक एक पेपर उठा करके और कंप्लीट सॉल्व करवा देती हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं चीज़ों को रटने की। अच्छा, 2016 वाले में ये आंसर है, तो ये वाले हमें याद है। नेक्स्ट टाइम जब आप 2016 का पेपर उठाएंगे, देन आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आप देख नहीं पाएंगे कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस को इस तरीके से रैंडम उठाती हूँ मैं, ताकि आप जब खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी ये, इसलिए मैंने आपको ये कहा है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी के बारे में कुछ आपके कथन दिए गए हैं कुछ है, तो उनको आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं ईवीएस में। ठीक है, शी इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है भार उत्तोलक है, वेट लिफ्टर है। शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका से है। शी हैज़ मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 किलोग्राम, यानी कि उनके पास जो है बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम बनाए हैं और वो 130 किलोग्राम तक का भार जो है वो उठा सकती हैं। शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वॉज 12 ईयर ओल्ड, या उन्होंने मतलब कि उन्होंने वेट लिफ्टिंग का अभ्यास कब से शुरू कर दिया था, जब से वो 12 साल की थी। बिल्कुल ठीक बात है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है कर्णम मलेश्वरी के बारे में बिल्कुल ठीक है। हमने डिस्कस भी किया था जब हमने ईवीएस के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया था, लेकिन कर्णम मलेश्वरी जो है वो कर्नाटका से है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि कर्णम मलेश्वरी कहाँ से है, शी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, कर्नाटका से नहीं है। इसके अलावा उनके फादर जो थे वो पुलिस कांस्टेबल थे, उनकी बाकी चार बहनें थी वो भी क्या करती थी, वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती थी। ये दो फैक्टर आपको उनके बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बी, जैसे कि हनी बी को आपने देखा होगा एक बी हाइव में, वो एक कॉलोनी की तरह रहते हैं, उस तरीके से बाकी और कौन सा ऐसा जो आपका कीट है जो कि कॉलोनी में नहीं रहता है। ठीक है, एंट है यानी दीमक है, टर्माइट यानी कि एंट यानी कि चींटी, टर्माइट यानी कि दीमक, स्पाइडर यानी मकड़ी, वास्प यानी कि जो आपका ततैया या जो भी आप उसको कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एंट भी हमेशा आपको एकदम ग्रुप में मिलेंगी हमेशा, टर्माइट यानी कि दीमक भी हमेशा आपको एक ग्रुप में पाई जाती है, एक बस्ती की तरह। ठीक है, और ये जो आपका वास्प होता है ये भी, लेकिन आप देखेंगे स्पाइडर जो होती है उनकी कोई कॉलोनी टाइप नहीं होती, वो आपको इंडिविजुअली दिखाई देंगे। ठीक है, तो स्पाइडर क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर माउंटेन ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड, यानी कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिनको कि रेत के टीले कहा जाता है, वो पाए जाते हैं, यानी कि सैंड ड्यून्स जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो काबुल है, आबू धाबी है, बर्लिन है या फिर थिम्पू है आपका। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या रहेगा, आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी में आपके रेत के टीले पाए जाते हैं जिनको कि सैंड ड्यून्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी, यानी कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट जो है वो अरब सागर पर है, तो कहाँ पर है आपके, कर्नाटक, केरला और गुजरात में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में, या फिर कर्नाटका, केरला और वेस्ट बंगाल में, या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। तो कौन सा ऐसा तीन स्टेट्स का ग्रुप है जहाँ पर आपका ये समुद्र तट जो है वो अरब सागर पर है, तो आप देखेंगे कर्नाटका, केरला और गुजरात, इन तीनों ही जो आपके राज्य हैं उनके समुद्र तट जो है वो अरब सागर पर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून, यानी कि कौन से ऐसे त्यौहार है जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, दिवाली, गुरु नानक बर्थडे, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। थर्ड है आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक बर्थडे। फोर्थ है आपका दिवाली, महाशिवरात्रि और गुरु नानक बर्थडे। ठीक है, तो आप देखेंगे आंसर क्या रहेगा, होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक बर्थडे। आप देखेंगे होली हमेशा पूर्णिमा में आती है, रक्षाबंधन आपको पूर्णिमा को मनाया जाता है, गुरु नानक जी का बर्थडे जो है वो भी पूर्णिमा में मनाया जाता है। अगर आप 2020 का देखेंगे, चेक करेंगे, तो 30 नवंबर को पूर्णिमा है, उस दिन गुरु नानक बर्थडे आपका सेलिब्रेट किया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर इज़ झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री। झारखंड जो है वो हमारी कंट्री के मैप में जो है वो कहाँ पर दिखाया जाता है या कहाँ स्थित है, ठीक है। वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा या साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो बिल्कुल इन ऑप्शंस में से अगर हम देखा जाए तो आंसर क्या रहेगा, उड़ीसा के उत्तर में। देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा ये आंसर। तो आप देखेंगे यहाँ है आपका झारखंड और ये है आपकी दिशाएं जो है, ठीक है। तो झारखंड आप देखेंगे उड़ीसा है और यहाँ आप देखेंगे तो नॉर्थ ऑफ उड़ीसा जो है आपका झारखंड रहेगा। इसके अलावा अगर आपके ऑप्शन में कोई और इसको बदल करके अगर दे दिया जाए कि साउथ ऑफ बिहार है तो आपका आंसर साउथ ऑफ बिहार रहेगा, साउथ ऑफ बिहार पड़ता है बिल्कुल, ठीक है। वेस्ट ऑफ पश्चिम बंगाल आप कह सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से अगर हम देखें तो ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी मैप के बारे में, क्योंकि कई बार होता है हम एक क्वेश्चन के चक्कर में छोड़ देते हैं और कई बार होता है मैप से तीन चार क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो ज़रूर मैप को आप एक बार ज़रूर देख करके जाएँ पेपर में, ठीक है। पिक्चर रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ लर्नर कैन बी असेस थ्रू पिक्चर रीडिंग, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, कौन सा ऐसा एक इंडिकेटर है जो कि असेस हो सकता है पिक्चर रीडिंग से बच्चों के अंदर में, ठीक है, कौन सा हो सकता है आप बताएंगे। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन, एनालाइसिंग और एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा होगा आप बिल्कुल देखेंगे। चित्र अगर बच्चा देखता है, अब ईवीएस की बुक देखिए आप, उसके अंदर दुनिया भर की जो आपके चित्र हैं मतलब पिक्चर्स हैं वो भरी हुई हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है अपने अंदर, ऑब्जर्व भी करता है और रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। हमने भी जैसे ईवीएस को डिस्कस किया है तो बहुत सारे पिक्चर्स मैंने उसके अंदर डाले हैं ताकि आप उनको रिलेट करके आप उनको याद रख पाएँ, ठीक है। ऑब्जर्व एक्सप्रेशंस भी होता है, एनालाइज भी करता है बच्चा, बट एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग किसी तरीके का यहाँ पर नहीं होता है पिक्चर रीडिंग के अंदर में। तो डी आपका जो है हट गया यहाँ से, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ए बी सी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ली इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ, यानी कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है ये पूछा गया है, उड़ीसा में है, राजस्थान में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में। तो बिल्कुल आप देखेंगे वर्ली जो है एक ट्रेडिशनल आर्ट है वो कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट फ्रॉम द फॉर द प्लांट, यानी कि जड़ का कौन सा कार्य है जो पौधे के लिए नहीं है। फर्स्ट है टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल या टू स्टोर फूड। तो आप देखेंगे जड़ के ये सभी कार्य हैं कि वो क्या करती है, पौधे के लिए फूड को स्टोर करती है, वाटर को ऑब्जर्व करती है, जल और खनिजों का अवशोषण करती है बिल्कुल, सपोर्ट भी देती है पौधे को, अगर जड़ नहीं होगी तो पौधे को सहारा किस तरीके से मिलेगा। यानी ये तीनों ऑप्शंस जो है हमारे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध करवाती है ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर रहेगा। ह्यूमस होता क्या है, जैसे कि आप देखेंगे जो ऑर्गेनिक तरीके की खाद होती है जो पत्तों के गलने सड़ने से बन जाती है एक तरीके से, वो आपका ह्यूमस होता है। तो वो आपका क्या है, जड़ प्रोवाइड नहीं करती है पौधे को, ठीक है। तो ये आपका जड़ का जो है कार्य नहीं है, वो पौधे को ऑटोमेटिकली मिट्टी से मिलता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या होगा। रेनूज ग्रैंडमदर शोज हर अ ड्राइड अप वेल एंड टेल हर दैट 15-20 ईयर्स अगो देयर वॉज वाटर इन द वेल बट नाउ इट हैज़ कम्प्लीटली ड्राइड अप, वट कुड बी द रीज़न फॉर ड्राइंग अप ऑफ वाटर इन द वेल। रेनू की दादी ने उसको एक सूखा कुआं दिखाते हुए कहा कि भाई 15-20 साल पहले की बात बता रही है कि उसमें बहुत पानी हुआ करता था उस टाइम, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से सूख चुका है। आपने भी देखे होंगे, अपने गांव वगैरह में जाते होंगे आप, तो पहले जिन कुओं में पानी हुआ करता था आज वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, है ना। तो इसका रीज़न क्या है ये पूछा गया है। द सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल एंड नियर बाय एरिया इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट, यानी कि जो पेड़ों, कुएँ और उनके आसपास के स्थान हैं जो मिट्टी के हुआ करते थे वो अब सीमेंट से ढक दिए गए हैं, या फिर अ लॉट ऑफ बोरिंग पंप हैव कम अप इन द नियर बाय एरियाज, यानी कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। नो बडी यूजेज अ वेल एज देयर आर टैप्स इन एवरीबडीज हाउस नाउ, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल है इसलिए कुओं का प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ बात की जा रही, ये नहीं बात की जा रही कि कुओं का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ बात की जा रही कि उनके अंदर जो पानी था वो सूख कहाँ गया। भाई पानी कहाँ से मिलता था उसको, जो जहाँ से भी उसको पानी मिलता था, या धरती से, या मतलब बारिश की वजह से जो कुओं में पानी होता था, वो पानी अब सूख क्यों गया है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सी इसका आंसर जो है वो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है। तो आंसर क्या रहेगा, ए और बी रहेगा। सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कुओं का पानी इस्तेमाल नहीं करने से कुआं सूख थोड़ी ना जाएगा। हाँ ये ज़रूर है कि जहाँ हमें कच्ची जगह देखने के लिए मिला करती थी
वो आजकल क्या है, सीमेंट से ढक दी गई है। उसके अलावा आप लोगों के घरों में आप देखेंगे कि जगह जगह आपके जो है बोरिंग पंप्स लग चुके हैं, तो सारा पानी जो है क्या है वो आप क्या खींच लेते हैं, जो आपका धरती का जो सारा पानी होता है वो बोरिंग पंप्स जो है आपको ईजिली प्रोवाइड करवा देते हैं, तो कुओं में पानी जो है वो सूख गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें जो कि आपकी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं हमेशा आपके क्वेरीज़ का ज़रूर मतलब आंसर करती हूँ। कभी कभी होता है कि आप खुद अगर एक दूसरे को आंसर कर देते हैं तो मुझे लगता है चलो आपको अपनी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा, वो भी एक अच्छी बात है, बट फिर भी मैं आप लोगों को ज़रूर पर्सनली आंसर करूँगी। ठीक है, इसके अलावा आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें और उसके बाद ऑल जो नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।